जेके नेशनल न्यूज हमारे साथ में लोकतंत्र कवरेज न्यूज न्यूज द टाइम्स ऑफ मिरार आपको जानकारी दे रहे हैं। महाराष्ट्र मुंबई से हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कहा जाएगा मौन मोर्चा निकाला गया है और इस मोर्चे का मकसद है कि अमन शांति भाईचारा कायम रहे, इस बात को लेकर के यहाँ के जो लोकल लोग हैं या यहाँ के जो पॉलिटिकल लोग हैं, कहा जाएगा सामाजिक लोग हैं या NGO के लोग हैं, इन लोगों ने मोर्चा यहाँ पर के पीछे बहुत बड़ा क्राउड है। और हमारे यहाँ पे इस यहाँ के जो पहले के पालक मंत्री थे, पूर्व पालक मंत्री थे, वो यहाँ पर साथ में हैं, पीछे देख रहे हैं आप। और आज उन्होंने पूरे इस जगह पर एक मौन मार्च निकाला है और उस मौन मार्च को लेकर के यहाँ पर पूरा क्राउड है पीछे और देख रहे हैं कि प्रशासन पूरी तरफ से मौजूद है और प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पे चुस्त पुस्त है। और इस मोर्चे को निकालने का मकसद यही था कि यहाँ पर भाईचारा कायम हो और यहाँ पर शांति कायम हो, यहाँ पर अमन कायम हो, यहाँ अमन चैन हो। और पूरा मामला हम आपको समझाने की कोशिश करें कि यह पूरा मामला है जो कि कुछ दिन पहले यहाँ पर रामनवमी यात्रा निकाली गई थी और इस रामनवमी यात्रा को लेकर के यहाँ पर काफ़ी जो है कि शोर शराबा हुआ था, कुछ हादसे हुए थे, इस हादसे को लेकर के यहाँ पर इस तरीके का आयोजन किया गया है। ऐसा है कि 1991-92 में भी जब पूरे मुंबई में दंगे हुए थे तभी भी जो है मालवनी में कभी दंगा नहीं हुआ और दंगे जैसे हालात कभी नहीं बने। और पिछले 2 सालों से बाहर से कुछ लोग आके मलाड और मालवनी में शरारत करने का काम कर रहे हैं। पिछले साल भी उन्होंने शरारत करने की कोशिश की थी, पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई की थी। इस बार भी जो है उन्होंने शरारत करने की पूरी कोशिश की, पुलिस ने बहुत ही अच्छे तरीके से सिचुएशन को संभाला। लेकिन जब पुलिस को जानकारी पहले दी गई थी कि इस तरीके से जो है लोग षड्यंत्र करने बाहर से आएंगे, तो थोड़ी सी पुलिस की लापरवाही हुई और लापरवाही की वजह से यहाँ पे हल्की सी घटना घटी। अब उस घटना घटने के बाद भी इतने दिन हो गए, कुछ लोगों ने पुलिस के साथ आज ये सारे जो धर्म गुरु और सारे जो धार्मिक लोगों ने जो मोर्चा निकाला है या जो प्रोसेशन प्रोटेस्ट यानी खामोशी से जो चल रहे हैं, उनका यही कहना है कि सबसे पहले जिन लोगों ने पुलिस की बातें नहीं सुनी, पुलिस के वर्दी के ऊपर हाथ डालने का काम किया, ऐसे लोगों को जो है पहला अरेस्ट करना चाहिए। और इन लोगों की ये सारी ये मांगे हैं कि आगे चल के जो भी यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, ये उसकी जवाबदारी होगी कि जितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, वो पुलिस को मालूमात दे। और अगर कुछ भी घटना घटती है तो उनकी जवाबदारी होगी, क्योंकि आज तक का यहाँ पे ऐसी घटना नहीं हुई है। तो आज इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, इसमें मैं हमारे जैन भाइयों का, हमारे सिख भाइयों का, हमारे बुद्ध भाइयों का, हमारे हिंदू भाइयों का, यानी साउथ इंडियन के जितने मंदिर हैं, ये सारे लोगों ने, यानी मलाड के अंदर जितने भी धार्मिक स्थल हैं, सभी लोगों ने मिलकर ये निकाला है शांति से। और पुलिस से उनसे यही मांग है कि CCTV के अंदर जो भी गलत करते दिखाई दे रहा है उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए और उन लोगों ने दबाव में काम नहीं करना चाहिए। कम से कम आज 12 दिन हो गए, पुलिस के साथ जिसने मारामारी की, पुलिस को जिसने गाली दी, उसको अगर नहीं उठा, ये महाराष्ट्र में और मुंबई में आज तक कभी ऐसे देखने को नहीं मिला है। तो पुलिस को ये कहना है कि आपको किसी के दबाव में काम नहीं करना है, जो गलत काम किया उस पर कार्रवाई करना है। असलम जी, लेकिन इस मामले में 120B लगाया गया है, 153A लगाया गया है, यानी कि दंगे जो प्लानिंग है इसकी पहले की गई थी, हिंसा की ये सेक्शंस पुलिस ने अभी 2 दिन पहले जोड़े हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? पुलिस को ये पता था कि पिछली बार भी कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया करके उन्होंने FIR किया था। मैं भी उनसे सहमत हूँ कि जो लोग यहाँ के नहीं हैं वही पुलिस से झगड़ा कर सकते हैं, वरना पुलिस तो यहाँ सबसे अच्छा रिश्ता रखती है, पुलिस को हर जगह हर लोग लेके चलते हैं। लेकिन जो बाहर से आते हैं उनको तो यहाँ से कुछ लेना देना होता नहीं है। तो ऐसे लोग चाहे किसी भी समाज के हो, किसी भी वर्ग के हो, उनके ऊपर कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। यही आज सारे धर्मगुरु, आज देखिए इनका कल इतना बड़ा फंक्शन था, रात के देर तक का जो है हमारे बौद्ध समाज के सारे लोग जो है अंबेडकर जयंती मनाए और उसके बावजूद आज सवेरे से ये सब किया। पुलिस ने हमें रिक्वेस्ट किया, हमने इन सब से रिक्वेस्ट किया कि भाई कम तादाद में आइए, कम तादाद में आइए और बिल्कुल जो है हाथ में काली पट्टी बांध के मुख्य मतलब कोई आवाज नहीं करते हुए पुलिस को निवेदन देने जा रहे हैं ताकि वो कार्रवाई करे। आप कह रहे हैं वन साइडेड कार्रवाई हुई है, एक धर्म या एक समाज के लोगों को ही गिरफ्तार किया गया इस मामले में? नहीं, मैं तो पुलिस से ये कहूंगा कि
सरकारें आएंगी जाएंगी, मंत्री आएंगे जाएंगे, लेकिन पुलिस का जो विश्वास है आज पूरे दुनिया के अंदर जो है, मुंबई पुलिस का नाम दो नंबर पे आता है सबसे अच्छी इन्वेस्टिगेशन में। आज जो है इतनी कम संख्या में करोड़ों के लोगों के ऊपर जो नेत्र करते हैं और संभालते हैं मुंबई को। अगर पुलिस को मारा जाएगा और उसके बाद में सरकार दबाव डालेगी कि उनको अरेस्ट नहीं किया जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। और पुलिस को वो वीडियो दिए गए हैं जहाँ पुलिस खुद जो है वो पुलिस के लोगों के साथ लोगों ने धक्का मुक्की किए, उनको अशब्द बोला गया है, उनको तो है 48 घंटे के अंदर अरेस्ट करना होगा। और CCTV देखें, जिस किसी भी धर्म का आदमी होगा गलत काम करता होगा उसको कार्रवाई। 48 घंटे की चुनौती दे रहे हैं आप। बीच में वायरल किया गया था जिसमें बताया गया कि CCTV में पुलिस जो है मदद करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के ऊपर केस भी दर्ज किया गया। पुलिस ने तो उस दिन बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन पुलिस ने और अच्छा काम करना चाहिए था कि जिस तरीके से आज सारे धर्म के लोगों ने आज ये साइलेंट प्रोटेस्ट मार्च रखा था, तो सारे लोगों को नोटिस दिए गए, कितने लोग आ रहे हैं उनके बारे में उन्होंने मालूम आती। अगर इसी तरीके से उन्होंने जो उस आयोजक जो है उनसे पूछा होता कि कहाँ से बसें आ रही हैं, बस कौन लेके आ रहा है, कौन है, ये समाज कंटक है या नहीं, उसकी अगर मालूम आती होती तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि इस तरह की घटना नहीं घटती। और ये तो अच्छी बात है कि उस दिन अच्छा काम किया करके नहीं, आगे ऐसी घटना नहीं घटना चाहिए, उसके लिए हम पुलिस को ही लेने जा रहे हैं। 48 घंटे का जिक्र किया है जी आपने, तो क्या चुनौती दे रहे हैं? प्लानिंग किया था किस समुदाय के लोगों ने, इस तरह की प्लानिंग किया था? ये तो पुलिस वाले ही बता सकते हैं कि उन्होंने बाद में जो है ऐसा बताया कि भाई ये है, लेकिन ये बात भी सत्य है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पुलिस को मदद कर रहे थे, उनको भी जो है अफरा तफरी में उन्होंने अरेस्ट किया है। हम यही कहेंगे किसी भी समाज का कोई आदमी हो, निर्दोष किसी के ऊपर जो है कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। चला कि मालवनी में पीस मार्च निकलनी है, तो हम हमारे मर्जी से सामने से असलम भाई का कांटेक्ट करके इस पीस मार्च में आ गए। मालवनी में मैं मलाड में जन्मा पैदा हुआ हूँ, मैंने कभी कोई दंगा देखा नहीं है, ना कभी दंगाई को देखा है। दंगाई आते हैं बाहर से, यहाँ दंगा करके चले जाते हैं। अगर लोकल लोग दंगा करेंगे तो नुकसान लोकल का ही होता है, तो कभी लोकल दंगा करते ही नहीं। मालवनी में हर तरह का त्यौहार मनाया जाता है, रामनवमी में क्यों दंगा बढ़ता है? सब 2024 में इलेक्शन है जी, 19 के इलेक्शन के बाद में 20 में भी रामनवमी आई, 21 में भी आई, 22 में भी आई, और अभी 23 की रामनवमी है। ना 21 में दंगा हुआ, ना 22 में हुआ, ना 20 में हुआ, 23 में क्यों हुआ? ये आप पत्रकार लोग ज्यादा अच्छी तरह से सोच सकते हैं हमारे से भी। तो समाज को भी जानकारी रहती है ना सर? सर समाज को जानकारी, अभी मैंने आपको एक ही चीज में बताया, आपको याद होगा आज से 6 महीने के पहले हर मंदिर पे भोंगा लगा के हनुमान चालीसा पढ़ने का था। अभी हनुमान जयंती गई, कितनी जगह पे हनुमान चालीसा पढ़ा? पत्रकार है आप, इंक्वायरी कीजिए। हम दोषी किसे करार करना चाह रहे? सॉरी, किसे दोषी करार करना चाह रहे? दोषी कोई नहीं है, दोषी इसका जिम्मेदार आप किसको खड़ा कर रहे? जैसे कि आप भोंगे की बात कर रहे हो, नमाज के लिए जिम्मेदार असामाजिक तत्व होते हैं और उनके ऊपर किसी विश्व गुरु का हाथ रहता है, वो बच जाते हैं और हम कपड़ों से पहचाने जाते हैं। जैसे कि जो लोग अरेस्ट हुए हैं ये FIR में, वो लोगों की जामीन का प्रोसेस चालू है, सेशन कोर्ट में उनका जामीन का अर्जी डाला हुआ है और मंडे को उनका हेयरिंग है। हेयरिंग होने के बाद में जो भी ऑर्डर के लिए साफ डेट देंगे, एक 10-15 दिन का प्रोसीजर रहता है ये ऑर्डर होने तक का, तो प्रोसीजर ऑलरेडी प्रोसेस में ही है। ऑलरेडी उनको 15-20 दिन हो चुके हैं, तो उनकी जामीन कभी तक रहेगी? आने वाले 10 दिन में शायद ऑर्डर आ जाएगा, जो भी ऑर्डर आया, नेगेटिव है पॉजिटिव है, लेकिन ऑर्डर आ जाएगा आने वाले दस दिन में। तो इनके ऊपर जो सेक्शन और धारा जो लगाई गई है अभी, तो ये किस सिलसिले में धारा और सेक्शन लगाई गई है, और जो वन साइड कार्रवाई की जो मांग की, आज ये पीसफुल यात्रा निकाली गई है अमन शांति का पैगाम? ये जो आज पीसफुल रैली इसीलिए निकाला गया है क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कुछ कमी हुई है वो देखने को मिल रही है, तो उसी वजह से यहाँ पे मेमोरेंडम DCP साहब को दिया गया है। उसमें यही मांग की गई है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, जो लोग कैमरे में दिख रहे हैं वो किसी भी जाति किसी भी धर्म के हो, उन पर क्विक 48 आवर्स में उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, और आइंदा के लिए कोई भी ऐसा फंक्शन होता है, कोई भी कम्युनल फंक्शन होता है, तो उसके अंदर जो लोग ऑर्गेनाइज़र है उनका अंडरटेकिंग लेना चाहिए कि हम लोग कितने लोगों को बुला रहे हैं, कौन बाहर से आएगा, कौन अंदर से आएगा, उसकी जानकारी पुलिस को होना चाहिए, तो इनके लिए भी आसानी होगी आगे स्टेप लेने के लिए। प्रशासन के लोग पहले से कह रहे हैं कि ऑलरेडी पुलिस को पता था कि बाहर से लोग आने वाले, ये झड़प होने वाली, तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते? आप क्या, पुलिस का ऐसा मानना है कि उनको इतनी जानकारी नहीं थी बाहर से बसेस आने वाली है, लेकिन यहाँ के लोगों ने उनको इंटीमेशन दिया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, ये कहीं ना कहीं पुलिस की कमी है, तो उसके वजह से ये भुगतना पड़ रहा है लोगों को। बेगुनाह लोग अंदर है,
जिन्हों का कोई रोल नहीं है, लेकिन जिन्होंने हरकत की, जिन्होंने बदमाशी की है, वो आज बाहर खुले घूम रहे हैं। अभी आमदार साहब को डिटेन किया, उसके बारे में क्या कहा पुलिस ने? नहीं, पुलिस ने किसी को डिटेन नहीं करी है। पुलिस ने ये बोली है क्या, जो भी आपके डेलीगेशन है उनको 10-12 लोग, जो भी सर्व धर्म के गुरु लोग आए थे ये प्रोसेशन में, तो वो बोला आप लोग पुलिस स्टेशन तक आ जाओ, मेमोरेंडम DCP साहब को सबमिट कर दो। तो हम लोग ने वैसे ही पुलिस का पालन किया। देखिए, पुलिस ने हमारा मार्च रोकी भी रस्ते में, हमने कोई हिंसा नहीं करी, हमने कोई नारेबाजी नहीं करी, हमने पीसफुली उनकी बातें सुनी और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखते हुए, ट्रैफिक भी बहुत हो गया था, तो वो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने रास्ता को खाली कर दिया। और हमारे कुछ लोग, जिसमें मैं भी मौजूद था, हम लोग पुलिस स्टेशन, मालवनी पुलिस स्टेशन आए, मेमोरेंडम DCP साहब को दिए, उनसे चर्चा भी की इस संदर्भ में, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग फेयर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो भी उनके पास में वीडियो रिकॉर्डिंग क्लिप अवेलेबल है उसके हिसाब से वो एक्शन लेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा।